श्रावस्ती जिले के विकास खंड गिलोला के जानकी नगर केरवानिया के गांव का है, जहां पर नाली निर्माण के लिए ग्रामीणों को फरियाद में एमपी दादन मिश्रा ने जिले के डीएम को पत्र के माध्यम से नाली निर्माण का आदेश दिया है। ग्रामीण के फरियाद पर जिले का एमएलए राम फेरन पांडे के वीडियो गिलोल के लेटर पैड के माध्यम से नाली निर्माण का आदेश दिया है, जिसके अधिकारियों ने जांच के सामने आया है। नाली निर्माण करवाना है, बेहद जरूरी है। गड्ढा खोदा पर है, निकल नहीं पाई थे, और मंत्री जी का सब नपाए जो खाए खोदाए कीटा सीमेंट बालू सब गिरवाए और फिर इसका बंद कराए। प्रधान जी इसमें हस्तक्षेप ले रहे हैं, नहीं बनने दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रधान जी? प्रधान जी कहते हैं कि हम कोई एमपी एमएलए विधायक कोई भोसड़ी वाला आवे तो हमारों के लिए हम जिंदगी में अपने बने न दे। तो आप लोग इस प्रधान से कुछ क्या है, कोई बात है क्या जो ग्राम सभा में आपके विकास कार्य नहीं होने दे रहे हैं? वो कुछ हमसे बात नहीं है, खाली हम उनका वो अटाई दिए, इसीलिए आपके घर के सामने नाली नहीं बनवा बनने दे रहे तो घर हुआ हाथ में बने दे। तो आपको समस्याएं भी होती होंगी, घर का पानी निकास नहीं हो पा रहा होगा? दोनों निकास देखा जाए सर, गड्ढा पड़ा है, कहाँ निकालेंगे हम लोग? अगर हमारी बच्चे भी इसमें गिर जाते होंगे? हाँ बच्चे गिर जाते, हम देखो खुद पुरनिया आदमी नहीं चल पाई थे। अधिकारियों से आप लोगों ने शिकायत नहीं किया इसके बारे में? शिकायत भाई हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते। जिले में एमपी एमएलए हैं आपके, हाँ, उन लोगों से आपने शिकायत नहीं किया? तब से क्या कहा उन लोगों ने? वो लोग तो बनवाओ तैयार हो गए, वही लोग कोशिश किए, तब मंत्री जी का आदेश था तो उन्हें खुदाई ना हफ्ता सब गिरवाए, तक बीच में हस्तक्षेप करते नहीं बनाए देते ना आपको। अब समस्या यहाँ होते भैया कि ये गोल के लंगड़ हैं, नाली बन जाता ढक्कन सकन पर जाता तो थोड़ा धीरे से निकल जाते। एक मेहरारू हमरे दूजी उसे होकर संझा से बड़े पकड़ के यही पार करो यही पार से वही पार करो तब बुझाए पाओ थे। छोट छोट लड़के हैं उनका यही पार करो वही पार करो तब बुझाए पाओ थे। बन जाते थोड़ा पानी की समस्या मिट जाए, थोड़ा बाल बच्चे निकले समस्या बन जाते। हम लोग मजबूर आदमी कहाँ के जाए, कहाँ कैसे कहा जाते हैं? नहीं तो नाली निर्माण हो रहा था, अचानक बंद क्यों हो गया ये? अब ये तो प्रधान जाने दिया कि क्यों बंद करवा दिए, कहा करवा दिए। ऊपर से आदेश आया तो बालू गिरा, सीमेंट गिरा, गिरा ईंटा रोड़ा टूटा गया है, ईंटा खड़ा भी आया है, क्यों नहीं बन रहा है अब ये तो हम लोग नहीं जान पाते हैं। चलने में परेशानी होती है, पानी का निकास नहीं है, और डीएम और वीडियो सबकी मतलब सहायता से बन रहा था, लेकिन प्रधान जाके एप्लीकेशन दे के बंद करवा दिए। सीमेंट बालू क्यों बंद करवा दिया उन्होंने? बंद करवा दिया कि हाँ हम लोग वोट नहीं दिए। अच्छा वोट नहीं दिए इसलिए आपके यहाँ विकास नहीं कर रहे हैं, वोट ना देने का विकास नहीं? यहाँ पे सिर्फ इंसानों को डरवाते हैं बस, धमका करके डरवा करके। तो अभी आप लोगों को समस्या हो रही है, बच्चे निकलते हैं आप लोग निकाले हैं पानी में से, या तो बन जाए और या तो फिर इसकी खुदाई ना होती, वैसे रहता तो लोगों को समस्या ना होती। ये खोदा गया और ये बन भी नहीं रहा है, तो इसमें बारिश हो रही है और पानी का भराव होता है, लोगों को समस्या आ रही है। तो क्या आप चाह रहे हैं कि ये बन जाए? बिल्कुल चाह रहे हैं, बन जाएगा तो विकास अगर आपके गाँव का होगा तो बहुत अच्छी बात है, विकास में तो अच्छी बात है। इसमें रोका नहीं गया, इसमें शिकायत आई थी कि प्रधान जो नाली निर्माण कर रहे हैं उसकी वजह से कई परिवार हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें डीपीआरओ साहब को निर्देशित किया गया है कि मैटर को दिखवा लें और शिकायत अगर उसमें कुछ मेरिट है तो उस हिसाब से निस्तारण करवाएं। तो ऐसा नहीं है रोका गया, उसको दिखवा लें, अगर जेन्युइन काम है तो उसको कोई रोकने में कोई हमें कोई वो नहीं है।